नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गैर स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास ज़ेरोधा या एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। वहां से जाके आप अपना अकाउंट खोल लीजिए। एंजल वन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है और ज़ेरोधा में 300 रुपीज़ का है, बट दोनों ही अकाउंट नंबर वन है आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया। ओके, सो इंटरडे ट्रेडिंग, इंटरडे स्टॉक के बारे में बोलने से पहले मैं इंटरडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। देखिए, आप लोगों को जो मैक्सिमम लोग जो नए नए सपने लेके आते हैं, तो मैं आज से 8-9 साल पहले भी यही सपना लेके आया था कि 1 रुपये का डबल हो जाएगा, मतलब पैसा देने से ही मैं हर रोज़ यहाँ पर इनकम अच्छा से जनरेट कर पाऊँगा। तो ऐसे ही जो नए नए आते हैं वो यही सब सोच लेके आते हैं कि अच्छे खासे पैसे जनरेट हो जाएंगे विदाउट थिंकिंग ऑफ द नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड के बारे में हर रोज हर लोग कहेंगे कि आप इंटरडे में ये स्ट्रैटेजी अपना लो। अरे, मार्केट है यहाँ पे, स्ट्रैटेजी देखिए, स्ट्रैटेजी के लिए टाइम पीरियड चाहिए, लेकिन मार्केट में हमेशा स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है। और स्ट्रैटेजी अगर काम आ भी गई तो आपको क्या करना है, जो मेन लोग हम जैसे लोग या कोई मतलब जो नए हैं वो लोग फॉलो करना भूल जाते हैं या नहीं करते हैं, वो क्या, वो कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते दोस्तों। जैसे आप लोगों में से कईयों का एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि आप हर रोज वीकली 5 डेज होते हैं ट्रेडिंग के, 5 डेज में से 4 डेज हमने प्रॉफिट कमा लिए और 5th डे में आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया वो वाइप आउट हो गया। होता है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का ऐसा होता है कि नहीं, कि आपने 5 दिन पूरा प्रॉफिट, 4 दिन कमा लिया, 5वां दिन पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो गया और ऊपर से कैपिटल भी थोड़ा बहुत लेके चला गया। क्यों? बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। आप अगर हफ्ते में सिर्फ 3 दिन प्रॉफिट कमाएं, 2 दिन लॉस कमाएं, तब भी यू विल बी अ गेनर, लिख के ले लो, अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए या फिर आपके कैपिटल के अनुसार, ओके, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल आपको ट्रेड लेना है। जैसे चाहे आपको एक स्टॉक में, मान लीजिए 150 रुपीज़ का स्टॉक है, आपको आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपये, तो 150 के स्टॉक पे आपको 400-500 क्वांटिटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कल को मैं आपको, आपने एक ट्रेड लिया 400-500 का, आपको उसमें ये एक ट्रेड ले लिया और दूसरा ट्रेड मान लीजिए 1200 रुपये का स्टॉक है, आपको सिर्फ उसमें 30 या 40 या 50 स्टॉक्स मिलेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, जो 30-40 स्टॉक्स आपने जो लिया मार्जिन ट्रेडिंग में 1200 रुपये वाले स्टॉक में, उसमें आपको प्रॉफिट हो गया 7 पॉइंट्स का या 5 पॉइंट्स का, 6 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और यही आपका जो 400 जो क्वांटिटी आपने लिया था उसमें आपको लॉसेस हो गया 6 पॉइंट्स का, आपको लॉस हो गया। तो लॉस क्वांटिटी किस में ज़्यादा है, इसमें है ना, आपने कंसिस्टेंसी कहाँ फॉलो किया है, नहीं फॉलो किया है। आपको क्या करना है, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, जैसे 40 क्वांटिटी आपको ऑन एन एवरेज हर जगह पे रखना है, आपको उतना कैपिटल आपके पास रखना है। दोस्तों, ऐसे ही होता है ट्रेडिंग। आप देखिए, ये मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूँ कि काश मैं आप लोगों को दिखा पाता कि ये जो है ना, आपको ये चीज़ मेंटेन करके चलना है। क्वांटिटी, जैसे आपने 100 क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको हर रोज़ 100 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। उसके लिए आपको कैपिटल उतना चाहिए और उतनी कैपिटल होने से अच्छा होता है दोस्तों। आप अगर 400 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो आपको 400 क्वांटिटी हर रोज़ चाहिए, ताकि आपको अगर प्रॉफिट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 10 पॉइंट्स का जितना भी आप ले रहे हो विथ परफेक्ट स्टॉप लॉस, तो आपको लॉसेस भी जब होंगे तो उतने में ही, उतने क्वांटिटी और उतने अमाउंट में ही होंगे दोस्तों। देन इट विल कवर द होल लॉसेस और आपको वीकेंड में या फिर फोर्टनाइट या फिर मंथली क्वार्टरली जैसे भी आप अपना समरी बनाते हो उसमें आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखेगा। अब मान के चलिए दोस्तों, जो मेरे स्ट्रेटेजी आप मान के चलेंगे आपको लॉसेस नहीं होंगे दोस्तों। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट आप लोगों का पैसा बचाइए, ये कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। मैं इसी कंसिस्टेंसी के बारे में बोल रहा हूँ। और जो शॉर्ट टर्म स्टॉक्स आप लोग होल्ड करके रखे हो
उसको जरूर होल्ड रखे, आपको लॉसेस नहीं होगा, मान के चलिए आप प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं कल का इंट्राडे स्टॉक। उसके पहले दोस्तों हैप्पी संडे। सो टुमारोस इंट्राडे स्टॉक विल बी कोरोमंडल इंटरनेशनल, टुमारोस इंट्राडे स्टॉक विल बी कोरोमंडल इंटरनेशनल। इन कोरोमंडल इंटरनेशनल यू हैव टू बाय अबव 823 एंड योर मिनिमम टारगेट विल बी 828 एंड यू हैव टू शॉर्ट सेल बिलो 806 एंड योर मिनिमम टारगेट विल बी 801। स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स का है दोस्तों। मार्केट खुलते ही एंट्री मत लीजिएगा बिकॉज मार्केट इज टोटली वोलाटाइल। आपको थोड़ा सा आप इसमें सब्र करके चलिएगा, ठीक है? थोड़ा सा देखिएगा, वेट, ऑब्जर्व, देन टेक एंट्री। और अगर आपको लॉसेस से बचना है तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका बाइंग लेवल से ऊपर जाते रहता है, मतलब आपका टारगेट पूरा होता है या टारगेट के पास पहुंचता है, स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर दीजिएगा लाइक ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, थैंक यू दोस्तों, वेट फॉर बोनस स्टॉक।